नमस्कार दर्शक बंधु, आज स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची सुधांशु। दर्शक बंधु, वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति रे जो भाई भाव में बालेश्वर और तीर्तल उपनिर्वाचन सरी जाइछि, किंतु गोटाए बड़ा प्रश्न एवं राजनीति में उंकी मारी उपस्थापना को नहीं आज जो कार्यक्रम रही दाम पंडित शंख पीरती। दर्शक बंधु, चक चिन्ह महबतरे किसी नेता शंख को चिगुले कहते गेंडा आने 1998 मसीह शंख विरोध में चक चिन्ह लड़ी चित्पटांग मारी तेरे हावा कौ दिग को बहुची यह अंदाज कर 2000 मसीह निर्वाचन टिके आगर शंख फुंकवाई हाथ चक को खसई जो पुरुखा चक नेता मैंने विलंबरे हो पछे शंख दल को आसी सेमु एमती कह ग राजा स्वाई को छाड़देले आउ कहीं बोधे एबेका राजनीति में सक्रिय नहांती पुरुखा बोले सुर नायक प्रफुल्ल घड़ाई और दाम राउत सुर एवं सज्जा साई आउ बीजेडी किक आउट प्रफुल्ल भाई कथा कह गले शंखर विदा हेले परवर्त समय नवीन दया से दल को फेरिले किंतु ना ही किसी पदपदवी अंपटे देखापी गले बीजेडी तुंड कथा जार इस्पात दाम भाई वर्तमान बीजेडी तड़ा खाइला नुआ दल गठन कले परे बीजेपी निर्वाचन एरसमार प्रार्थी हेले किंतु वर्तमान बिना बुलाए मेहमान भली आसिकी शंख पाई प्रचार करुछंती। ये होची दामोदर राउतंकर बाहास्फोट कथा मुहटा तांकर इस्पात से बिजु पट्टनायक परी मुखिया को मध्य सबुबेले प्रभु ज्ञान करि आसिछंती आउ अंकल पुतुरा लड़े रे दामो भाई जो भाई भाव में पुतुरा पछरे छिड़ा हेले अंकल को जोगु मध्य तड़ा खाई से मंत्री पद हो किंबा अन्य कौन कारण तथापि केबे भी मुखिया विरोध में कही नथिले दामो बरंग दाम बाबू थिले सच्चा नवीन प्रेमी किंतु थर्ड फ्लोर बाबू को आगरे न आंठेबा कारण एमती फंदी होगला दामों क्यारिअर प्रथम मंत्री पद गला तापर दल विदा हेले विजु विचार मंच खोलिले पुणी फेरिले शेष गेंडा दल रे रही पारे ना प्रथम दफारे ब्रज त्यागी मिसी एक नुआ दल गठन करते पुणी पद्म धरले हेले अत्यंत पुह पुत्र मोह कारण एरसमा उपरे फोकस कर नपारी पंडित हारीगले पद्म मोह तुटिगला एवं पुत्र एमएल हो गले पारादीप्रु पुत्र प्रेम पड़ बहु विवादीय मंतव्य देखा विष्णु दास पुत्र केमिति साजिले मित्र देखु ये रिपोर्ट रे राजनीति चलती कौन उपनिर्वाचन होती विधायक थे विष्णु दास देहांत हो गले उपनिर्वाचन उपनिर्वाचन सरकार गढ़ा हुए कि सरकार भंगा जाए कारण बर्तमान विधानसभा विजु जनता दल 112 जन सदस्य अच्छे जड़े हरता जड़े आसे आउ जन मिसे द्वारा सरकार भांग बढ़ तेणु विजु जनता दल ये किसी नुह लोक ये गुरुत्वपूर्ण लोक देखुंट जदि आम शासक दल को भोट दबु विजु जनता दल को तेल आम निर्वाचन मंडल विकास कम हो पार से जयपुर कटिकटा पोल हो पार कि पोषण पोल हो पार कि जो शारदा सैनी मिल अचल हो पड़ी तक चलना पकड़ हम जो प्रतिश्रुति मिली कि अन्न्य कौन से काम धंदा विकासमूलक काम सरकारी दल कर तेणु लोक मैंने तीर्तल स्वार्थपाई तीर्तल जनसाधारण स्वार्थपाई विजु जनता दल प्रार्थी को भोट दवा दवा उचित बोली मुझे कह पंडित भाभी मुखिया राग शांत पड़ पुणी तांकु दल को नहीं जिबे किंतु बाबू जानिपे मो सरकार रे दाम पंडित आउ कौन काम ना आउ दरकार भी ना सबकि 5T रे चली तथापि पंडित लोभ जाए भाषा मध्य कही पार ना बाड़ू चाड़ हो मनरे असुमारी स्वप्न बीजेडी को फेरबे नवीन बाबू दया करे से तीर्तल उपनिर्वाचन उपरे पड़ी दाम बाबू शंख को भोट देवाक अनुरोध करुंटे पंडित जाची कल्याण उपरे अधिक भरोसा करो स्वर्गत विष्णु दास को प्रति कथार जातीयण मंतव्य और मंतव्यर शिरोनामा को नहीं खूब समालोचना करुले पुवप्रति एत दया कहीं ना नवीन पाखे नेहुरा हाँपाई ये एक मौका देखु
ଦାମବାବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଜୟଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ନିଜ ନିଜ ଦଳ ତରଫରୁ ଯଦି ଜଣକୁ ଜିତେଇ ଆଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନାଁ ହେବ ବା ଲାଭ ହେବ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଆଶା ରଖିକି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ସେଠି ବହୁଥିଲା ସେଠି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ସେ ପୁଣି ଯେମିତି ଚାଲୁ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ କାହାକୁ ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ହେବ, ସେଥିରୁ ବିଚାର କଲେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଦେବାଟା ନିହାତି ଉଚିତ। ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ, ବିଶ୍ୱ ଦାସ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ପିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆସିଲେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବେ କି ସରକାରୀ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେ କାମ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ତୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଦାମ ରାଉତଙ୍କ କଥା। ଆଜିକା ଦିନରେ ଯଦିଓ ଦାମ ରାଉତଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ ସେଭଳି ଆଉ ଖୋଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।